मानवता ही अपने आप में बड़ा धर्म है। मनुष्य की यात्रा मनुष्य से देवत्व की यात्रा है जी। वो अपने आसुरी स्वभाव में ना आ जाए, उसके अंदर गिरावट ना आ सके, इसलिए धर्म जो है व्यक्ति को ऊंचा उठाने के लिए एक ऐसी परंपरा है जहाँ यम नियम से लेकर के जीवन में मर्यादाओं को देना और वो शिक्षाओं का आचरण करना, जिससे हमारे अंदर ऊंचाई बनी रहे। बाह्य चिन्हों का नाम धर्म नहीं है, भीतर की जागृति का नाम ही धर्म है। जैसे जैसे भीतर से आप जागृत होते जाते हैं तो उसी के परिणाम स्वरूप आप अपनी समस्याओं का समाधान खोज पाएंगे। व्यक्ति भीतर से साहसी है, भीतर से धैर्य वाला है, संतुलन वाला है, क्षमा भाव वाला है, दया रखने वाला व्यक्ति है, वो दूसरों के साथ उस तरह का व्यवहार कर सकेगा। और जो लोग केवल चमत्कार के भरोसे बैठे हुए हैं कि लॉटरी लग जाए और मेरी ज़िंदगी बदल जाए, लॉटरी ने किसी की ज़िंदगी नहीं बदली, इसलिए चमत्कार का नाम धर्म नहीं है। जिंदगी को उतना ऊंचा उठा लिया जाए कि हर कर्म ही आपका चमत्कार बन जाए, इस यात्रा को हम धर्म की यात्रा कहते हैं। देखिए, राम जी का तो पूरा जीवन ही एक आचार संहिता है। उसको जैसे जैसे हम लोग बहुत बारीकी से देखेंगे समझेंगे तो वहाँ से बहुत प्रेरणाएं मिलती हैं। इसलिए भारत देश ही नहीं, आसपास के सुदूर देशों तक राम जी की कीर्ति पहुँची है और लोगों ने अपनाया है। और आज से नहीं, हजारों वर्षों से वो परंपराएं चल रही है, चाहे आप जावा में, सुमात्रा में, इंडोनेशिया में, बालीद्वीप में, या फिर सामने थाई देश है, बर्मा है, कोरिया है, आसपास के देशों में, चाइना में भी रामायण मिलती है, कंबोडिया में मिलती है, तो सब जगह प्रभाव रहा है और ये प्रभाव बढ़ रहा है और बढ़ेगा। ओम नमः। राजप्रीति शो में आज आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान है जिन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं सुधांशु जी महाराज का। बहुत बहुत स्वागत महाराज जी। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, जो आपकी संस्था है विश्व जागृति मिशन, ये क्या है, क्यों है, किस लिए आपने इसकी शुरुआत की? विश्व जागृति मिशन संपूर्ण जागृति समाज में उत्पन्न करने के लिए बनाई गई एक संस्था है, जिसमें हम वेद, उपनिषद, गीता, रामायण आदि जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं जी, उनका संदेश समाज तक पहुंचाने के लिए एक तरफ हम लोग कार्य करते हैं, दूसरी तरफ ध्यान और धर्म लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं, और तीसरा है सेवा लोगों तक पहुंचाई जाए, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने अनाथालय बनाए हैं, हम लोगों के हॉस्पिटल चलते हैं, वृद्धाश्रम चलते हैं, और गौशालाएं हमारी लगभग 7 गौशालाएं पूरे भारत देश में काम करती हैं, इसी तरह से गुरुकुल काम कर रहे हैं जी। तो एक तरफ जो है सत्संगों के माध्यम से, मंदिरों के माध्यम से, जन जागृति के माध्यम से समाज के अंदर धर्म को स्थापित करने के लिए कार्य कर रहे हैं, दूसरी तरफ सेवा के कार्य कर रहे हैं। इन दोनों को मिला करके जो एक शंखनाद है उसका नाम विश्व जागृति मिशन है। बहुत सुंदर। आज के टाइम पे इतना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और सबके अपने अपने डेफिनेशन है। अगर हम धर्म की बात करें तो धर्म भी सब अपने अपने तरह से समझते हैं, तो आपके हिसाब से धर्म क्या है, कैसे हम धर्म का पालन कर सकते हैं? मानवता ही अपने आप में बड़ा धर्म है। मनुष्य की यात्रा मनुष्य से देवत्व की यात्रा है जी। वो अपने आसुरी स्वभाव में ना आ जाए, उसके अंदर गिरावट ना आ सके, इसलिए धर्म जो है व्यक्ति को ऊंचा उठाने के लिए एक ऐसी परंपरा है जहाँ यम नियम से लेकर के जीवन में मर्यादाओं को देना और वो शिक्षाओं का आचरण करना, जिससे हमारे अंदर ऊंचाई बनी रहे जी। इसलिए परिभाषा यह दी गई है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत इति धर्म। अपने लिए जैसा चाहते हो वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करें,
इसी का नाम धर्म है। बहुत सुंदर। इसी को मनु महाराज ने ये भी कहा है कि आपके अंदर कुछ दिव्य गुण आ जाएं, जैसे धैर्य का आना, क्षमा का आना, स्वयं पर कंट्रोल, स्वयं पर नियंत्रण, क्रोध का अभाव, सत्य से आप जुड़ जाएं, छल कपट से दूर हो जाएं और बुद्धिमत्ता के साथ अपने कार्य करें और अपने उत्थान के साथ आप समाज का और दूसरों का भी उत्थान करें। इस सब को धर्म कहा गया है। जी महाराज जी, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पूजा पाठ अगर हम करते हैं, जो जितने सारे नियम कानून है या धर्म ग्रंथ हम पढ़ते हैं या सत्संग हम अटेंड कर लेते हैं, तो क्या ये तीन चीज़ करने से आप धार्मिक हो जाते हैं, और क्या इन तीन चीज़ों को करने से आपके जो जीवन की परेशानियां हैं, जो जिस प्रॉब्लम्स में आप उलझे हुए हैं, क्या उससे आप निकल पाते हैं? बाह्य चिन्हों का नाम धर्म नहीं है, भीतर की जागृति का नाम ही धर्म है। जैसे जैसे भीतर से आप जागृत होते जाते हैं तो उसी के परिणाम स्वरूप आप अपनी समस्याओं का समाधान खोज पाएंगे। व्यक्ति भीतर से साहसी है, भीतर से धैर्य वाला है, संतुलन वाला है, क्षमा भाव वाला है, दया रखने वाला व्यक्ति है, तो दूसरों के साथ उस तरह का व्यवहार कर सकेगा। और जो लोग केवल चमत्कार के भरोसे बैठे हुए हैं कि लॉटरी लग जाए और मेरी जिंदगी बदल जाए, लॉटरी ने किसी की जिंदगी नहीं बदली। इसलिए चमत्कार का नाम धर्म नहीं है। जिंदगी को उतना ऊंचा उठा लिया जाए कि हर कर्म ही आपका चमत्कार बन जाए, इस यात्रा को हम धर्म यात्रा कहते हैं। बहुत सुंदर। आपको लाखों लोग, करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, 10 मिलियन से भी ऊपर के फॉलोअर्स हैं अगर हम सोशल मीडिया के आंकड़ों की बात करें तो ये जो फॉलोअर्स हैं हमारे, ये आपको सुनते हैं, आपके सत्संग में भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में उतारते हैं, तो इन फॉलोअर्स को आप दो तीन चीज़ें क्या बताना चाहेंगे कि जो इनको अपने डेली रोज़ के जीवन में, इनको अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति को पहला कर्तव्य करना चाहिए, आरोग्यता पर ध्यान दें। दूसरी चीज है आर्थिक आत्मनिर्भरता पर कार्य करें। तीसरी चीज है पारिवारिक प्रसन्नता पर सबका ध्यान जाना चाहिए। और चौथी चीज है सामाजिक प्रतिष्ठा। पांचवी चीज है कि प्रत्येक व्यक्ति देश, गुरु और भगवान, इनके प्रति निष्ठा, वफादारी रखे तो उसकी प्रगति हो सकती है। जी महाराज जी, आप जैसा कि मैंने कहा इतने सारे फॉलोअर्स हैं और आप सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है, एक गुरु हैं, तो थोड़ा सा हम आपके जीवन के बारे में भी जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा था, आपने कैसे अध्यात्म को अपने जीवन में उतारा, इस मार्ग पर आप कैसे चले? देखिए, माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कार पहला हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण अंग बना, और पिताजी के द्वारा बचपन में ही जो रात्रि में सोने से पहले कहानियां सुनाई जाती थी, रामायण की, महाभारत की, भागवत की, महान पुरुषों की, और सवेरे जागते ही मंत्र पाठ कराते थे, उनके संस्कार और उनका प्रभाव इस तरफ लेकर आया, सत्संगों में जाना, महान पुरुषों को सुनना। उससे भी कहीं अधिक बात ये थी कि 7 वर्ष की अवस्था से ही माता पिता ने जब ये देखा कि मेरी रुचि कुछ धार्मिक अधिक है और ईश्वर भक्ति में ज़्यादा रुचि है, तो इस गुण को उन्होंने उभारने की चेष्टा की। एक कारण और भी था, हमारे यहाँ परंपरा चली आती रही कि जो पहला बेटा है उसको धर्म के लिए अर्पित किया जाए, तो इस भावना को भी ध्यान में रखकर हमारे पिताजी ने हमें इधर की तरफ ले जाने की चेष्टा की। लेकिन उसके बाद उन्होंने, जब मैं 16वें वर्ष में था, तब उन्होंने मेरे से कहा कि मेरा जोर नहीं है, मैं दबाव में और बलात् तुम्हें उधर नहीं ले जाना चाहता, अगर तुम्हारी रुचि है तो मैं फिर आगे और उच्च अध्ययन के लिए गुरुकुलों में भेजना चाहता हूँ। तो मैंने इसके लिए बहुत उत्सुक होकर के कहा कि मेरी इच्छा है। उसके बाद फिर गुरुकुलीय विद्या से आगे जीवन की शुरुआत हुई और फिर आगे की पढ़ाई। गुरु का बहुत महत्व होता है, आपके सभी सत्संग में ये सुनने में आता है, तो गुरु का चुनाव लोग कैसे करें? आज के टाइम पे गुरु भी बहुत सारे हैं, ग्रंथ भी बहुत सारे हैं,
इष्ट देवता की अगर हम बात करें तो वो भी बहुत सारे हैं। तो आज का जो मानव है कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी है कि हम क्या करें। तो हम लोग क्या करते हैं, ये भी फॉलो कर लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, सभी चीज़ करते रहते हैं। तो इस पे थोड़ा सा मार्गदर्शन करें कि कैसे हम अपने इष्ट देव को कैसे हम चुन सकते हैं, या वो हमें चुनते हैं, गुरु अगर हमें चुनना है या गुरु हमें चुने, कैसे हम संभव करें। देखिए, पहली बात हम गुरु की कर लेते हैं। तो गुरु भी चुनता है शिष्य को और शिष्य भी गुरु को चुनते हैं। तो जैसे भी आपको सुनते हुए देखते हुए समझ में आए कि यहाँ मुझे अपना सिर झुकाना चाहिए, मानना चाहिए, तो सोच समझ करके हम स्वीकार करें। लेकिन प्रयास ये हो कि सिर पर गुरु की कृपा और उनका हाथ रहे। और दूसरे रूप में जो आप इष्ट देव की बात कह रहे हैं, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि बचपन से लेकर अब तक आप सुख में दुख में जिस भी स्वरूप को पुकारते रहे हैं, राम को, कृष्ण भगवान को, दुर्गा माता को, शिव जी को, जिस भी रूप में भगवान का नाम आप लेते रहे, वही आपके इष्ट देव हैं और वही आपको सरेंडर करना चाहिए। सही। राम और रामायण की अगर हम बात करें तो अभी अभी आप अयोध्या में भी थे, प्राण प्रतिष्ठा भी हुई, और अभी जो देश का माहौल है वो बिल्कुल बदलता जा रहा है। कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग नाखुश भी हैं। तो आपको क्या लगता है अभी देश की दशा और दिशा क्या है? देखिए, दिशा ठीक होती जा रही है तो दशा भी ठीक हो रही है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जब दिशा ठीक होती है तो दशा भी बदलने लग जाती है। व्यक्ति की व्यथाओं को दूर करने के लिए व्यवस्था की आवश्यकता होती है, तो व्यवस्था भी बदल रही है, व्यथाएं भी हटने लगी हैं और दिशा भी ठीक मिल रही है। लगता है कि आने वाले समय में भारत दुनिया में एक अच्छी स्थिति पर होगा। जो हम विश्व गुरु की कल्पना करते हैं वो निश्चित रूप से उधर पर हो जाएगा। प्रभु श्री राम की अगर हम बात करते हैं तो सब जय श्री राम का नारा लगाते हैं, मंदिर भी अब सभी लोग जा रहे हैं, देश विदेश सभी जगह से लोग अयोध्या आ रहे हैं। तो क्या सिर्फ जय श्री राम बोलना और मंदिर जाना ही काफ़ी है, या ऐसे क्या प्रिंसिपल्स हैं या ऐसी क्या मॉरल वैल्यूज़ हैं जो हमें अपने लाइफ में उतारनी चाहिए अगर हम सही में प्रभु श्री राम के भक्त हैं तो? देखिए, राम जी का तो पूरा जीवन ही एक आचार संहिता है। उसको जैसे जैसे हम लोग बहुत बारीकी से देखेंगे, समझेंगे, तो वहाँ से बहुत प्रेरणाएं मिलती हैं। इसलिए भारत देश ही नहीं, आसपास के सुदूर देशों तक राम जी की कीर्ति पहुँची है और लोगों ने अपनाया है। और आज से नहीं, हजारों वर्षों से वो परंपराएं चल रही है, चाहे आप जावा में, सुमात्रा में, इंडोनेशिया में, बालीद्वीप में, या फिर सामने थाई देश है, बर्मा है, कोरिया है, आसपास के देशों में, चाइना में भी रामायण मिलती है, कंबोडिया में मिलती है। तो सब जगह प्रभाव रहा है और ये प्रभाव बढ़ रहा है और बढ़ेगा भी। सही। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी, आज धन्य हो गए आपसे बातचीत करके, आपका आशीर्वाद पाके। सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामना।